छात्रों ने हाईवे ब्लॉक कर दिया। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल की कॉपी जला दी। दक्षिण भारत के बेंगलुरु में भी विरोध की आग धधक रही है। आज तक ब्यूरो। मोदी सरकार के सामने चुनौतियां बड़ी होने जा रही हैं, अब उससे निपटेगी कैसे, बड़ा सवाल है। असम में भी सर्बानंद सोनोवाल की सरकार है। मुख्यमंत्री बार बार अपील कर रहे हैं, शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। सीधे रुक कर लेते हैं आशुतोष, हमारे संवाददाता गुवाहाटी से लगातार जुड़े हुए हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आशुतोष, कैसी तस्वीरें दिखाएंगे आप? चित्रा, आगजनी लगातार बढ़ रही है। देखिए मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं सड़कों पर उतर आए। थोड़ी देर पहले गाड़ियां जब गुजर रही थी, उन्होंने एम्बुलेंस को तो जाने दिया, लेकिन सीआरपीएफ की गाड़ियों को बैरिकेड पर रोक दिया। सीआरपीएफ को बल प्रयोग करके यहां से निकलना पड़ा। ये देखिए, ये जो बैरिकेड्स हैं, ये सड़कों पर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लगाई गई थी, जिनको तोड़ दिया गया है। ये पूरी तरह से सब कुछ नष्ट है और दोनों तरफ सड़क के दोनों तरफ 360 डिग्री की दिशाओं में सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शनकारी हैं। या तो आगजनी की तस्वीरें हैं, या तोड़फोड़ की हैं, या सिर्फ नुकसान की हैं। लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर रहा है, क्योंकि सरकार है नहीं बातचीत करने के लिए। बात करें तो करें किसे। ये देखिए, यहाँ पर आग की ये जो लपटें हैं, ये बयां कर रही हैं कि आखिर सरकार प्रशासन कहाँ है। ना तो मुख्यमंत्री की ओर से कुछ कहा गया, ना गृहमंत्री की ओर से कहा गया, ना ही हेमंता बिश्व शर्मा की ओर से कुछ कहा गया। तो इन सबकी नाराजगी नारों के जरिए उनके खिलाफ, केंद्र सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी और सिर्फ गुस्सा, नो कैब। ये देखिए, हाथों में जो बैनर पोस्टर है, उनमें एक ही बात कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं चाहिए, मुर्दाबाद के नारे गुवाहाटी की सड़कों पर गूंज रहे हैं। आपको बताएं, डिब्रूगढ़ में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं, जोरहाट में तेज हो रहे हैं, माजुली में, जो जो इलाके हैं असम के, हर जगह पर प्रदर्शनकारी उतरे हैं। पीछे आगजनी भी, मैं चाहूंगी अपने कैमरा पर्सन को बोले थोड़ा पीछे की तस्वीरें भी दिखाते रहे। आशुतोष, अपनी बात भी पूरी करें आप। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, ये यही तस्वीरें शायद दिल्ली को भी विचलित कर रही होंगी, कि उनके दावे तो बड़े थे कि स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन स्थिति ठीक हुई नहीं, बिगड़ जरूर गई है। गुवाहाटी में इन प्रदर्शनकारियों से बात करने वाला कोई नहीं है, रास्ते जहां के तहां बंद कर दिए गए हैं। और ये जो भी, आपको ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री को यहां पर आना है, शिंजो आबे के साथ यहां पर जो दौरा प्रस्तावित है, इसके लिए जगह जगह पर स्वागत के लिए स्टेज बनाए गए थे। देखिए प्रदर्शनकारी पूरा का पूरा ये जो बैरिकेड है, ये सब ले जाकर आग के हवाले करते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर है, वो यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। ये देखिए, सब कुछ आग के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो स्थानीय, यहाँ पर कई सारे होटल हैं, लोग हैं, उन्हें भी फिक्र है कि अगर हालात बिगड़ी तो आगे क्या होगा। चेतावनी यहाँ तक दी है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके घर भी कल से ये लोग पहुंचेंगे, उनका भी घेराव करेंगे। तो कुल मिलाकर ये देखिए, ये तस्वीर है विचलित कर रही यहाँ पर। और ये जो, ये देखिए, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आगजनी है, इसके ठीक पीछे प्रदर्शनकारियों ने महज 50 मीटर की दूरी पे और भी काफी कुछ आग के हवाले कर दिया है। तो असम में, गुवाहाटी में दिन दहाड़े ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। पत्थरबाजी हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं, टीयर गैस का इस्तेमाल वापस हो रहा है, यहाँ तक कि जो फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल किया जाता है, फायर वाटर कैनन, वो प्रदर्शनकारियों ने अपने नियंत्रण में ले लिया। और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि वो असहाय हैं, वो इस हालात पर कुछ नहीं कर सकते, अतिरिक्त फोर्स की जरूरत है। चित्रा, मैं चाहूंगी आशुतोष एक बार फिर से आगजनी की ये तस्वीरें, सरकार के सामने चुनौती कितनी ज्यादा बड़ी है वो हमारे दर्शकों तक आप अपने कैमरा पर्सन के जरिए पहुंचाते रहिए, क्योंकि सरकार जिस बात को बहुत आराम से ले रही थी, उसको लग रहा था कि अगर गृह मंत्री की ओर से ये भरोसा दिया जाएगा कि उत्तर पूर्व के राज्यों के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी नहीं होगी, वो बात वहां पर असर करती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। क्या कोई भी ऐसा शख्स आपको मिल रहा है आशुतोष, जो सरकार के इस फैसले से कम गुवाहाटी या उसके आसपास के इलाकों में संतुष्ट दिखाई देता हो? देखिए, ये असम जो है, ये दो हिस्सों में दरअसल बटा हुआ है, एक है बराक वैली, दूसरा ब्रह्मपुत्र वैली। बराक वैली में ज्यादातर जहां पर बंगाली और हिंदी भाषी लोग जो पहले आ चुके थे, वहां पर ये तस्वीरें नहीं है विरोध प्रदर्शन की, लेकिन दूसरा जो ब्रह्मपुत्र वैली है, जिसमें अपर असम लोअर असम है, वहां पर ये हिंसा दिखाई पड़ रही है। क्योंकि सरकार भले कहे कि इनके अधिकारों का संरक्षण किया जाएगा, लेकिन लोगों के बीच शायद वो संदेश है नहीं, और इसीलिए ये गुस्सा सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है। तो लोगों से सीधा जानते हैं कि अगर सरकार ये कह रही है कि आपके अधिकारों का संरक्षण होगा, डर किस बात का और चिंता किस बात की सता रही है असम के लोगों को?
सरकार ये अभी तक क्लियरली नहीं बताया है कि ये जो बांग्लादेशी हिंदू बांग्लादेशी ये लोग लाएंगे क्या ये असम में ही रखेंगे या दूसरे जगह भी बांट देंगे, ये सब भी नहीं बोला है। ये पूरा असर असम में पड़ने वाला है, बाकी ट्राइबल स्टेट में तो इनर लाइन परमिट है वहाँ पे कुछ गुजरात में रखने दीजिए मोदी को, हमारे असम में हम बांग्लादेशी को कभी जगह नहीं दूंगा। असम में क्या हुआ है